Hi everyone, this is the second part of preposition part 2. Here I'm going to talk of some words along with the those words means some important prepositions like लास्ट मेरे वीडियो में जैसे हेड एंड रैप का जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें एक स्टूडेंट है मेरे उन्होंने एक सेंटेंस फॉर्म किया था हेड एंड रैप पर मैरिज को लेकर के कि यदि मुझे मालूम होता या किसी ने बता दिया होता तो मैं चाइनीज गर्ल से शादी नहीं करता तो मैरिज से रिलेटेड कुछ था तो मैंने सोचा एक बार इसको भी इंक्लूड करूँ. हमारे पास वर्ड हैं एक है मैरी समबडी, दूसरा है मैरिज टू, तीसरा है गेट मैरिड टू समबडी और फोर्थ है बी मैरिड टू समबडी और फिफ्थ है मैरी समबडी ऑफ टू समबडी या मैरी ऑफ समबडी टू समबडी. तो ये पांच हैं, इन पर हम फोकस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताऊं मैरी समबडी. दोस्तों इसमें कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता है, ये डायरेक्ट इस्तेमाल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा मैरिड हिज चाइल्डहुड स्वीटहार्ट गिनी. तो कपिल शर्मा जी ने अपने बचपन की जो उनकी मित्र थी उनसे उन्होंने विवाह किया. नेक्स्ट कई बार आपने फिल्मों में ये डायलॉग्स सुने होंगे विल यू मैरी मी, तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता है. सेकेंड इज दैट मैरिज टू. अब यह मैरिज टू के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आप लोग के लिए तैयार कर रखा है, दैट इज सुजैन्स मैरिज टू ऋतिक रोशन. आई एम टॉकिंग ऑफ ऋतिक रोशन. सुजैन्स मैरिज टू ऋतिक रोशन डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग. एंड थर्ड मीन्स अनदर एग्जाम्पल इन दिस आई कैन से दैट I opposed her marriage to Ramesh. Next ले लेते हैं get married to somebody. इसमें याद रखिएगा get married with somebody इस्तेमाल नहीं करेंगे, get married to ही यूज कीजिएगा. जैसे example राहुल got married to रिम्पी. राहुल का विवाह रिम्पी से हुआ. Next है हमारे पास be married to. यहां भी with नहीं लगाएंगे, be married with somebody नहीं, be married to. अब ये बी मैरिड टू का मतलब हो गया, एग्जाम्पल है इसमें हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड टू नूतन. अभी हमने टू का इस्तेमाल किया. इसमें मैरिज वाली सीरीज में लास्ट फिफ्थ वर्ड जो है वो ले लेते हैं मैरी समबडी ऑफ टू समबडी या मैरी ऑफ समबडी टू समबडी. दोस्तों इसमें ना अलग अलग यदि हम डिक्शनरी देखते हैं तो अलग अलग तरीके के ओपिनियन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि हम मैकमिलन की डिक्शनरी की बात करें तो मैकमिलन में कहते हैं कि टू फाइंड अ हस्बैंड और ए वाइफ. ऑक्सफोर्ड में देखें तो उसमें बड़ा ही अजीब तरीके का एक्सप्लेनेशन है कि टू गेट रिड ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए जैसे तैसे कोई भी मैच ढूंढ करके उस व्यक्ति की उस पर्टिकुलर व्यक्ति से शादी करके उसको भेज देना. और कैम्ब्रिज में बात करें तो कैम्ब्रिज कहता है कि स्पेशली ये गर्ल्स के लिए इस्तेमाल होता है कि फॉर अ फीमेल चाइल्ड, कि जिसको आपने चूज कर लिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन ही उसका पार्टनर बनेगा और इसी पर्टिकुलर पर्सन से उसकी शादी होगी. तो ये तीन तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है दैट शी वॉज मैरिड ऑफ. एग्जाम्पल है शी वॉज मैरिड ऑफ टू द लोकल डॉक्टर बाय द एज ऑफ 16. 16 वर्ष की उम्र में एक स्थानीय डॉक्टर से उसका विवाह करके उसे भेज दिया गया. तो ये मैरिज से रिलेटेड था. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें मेड फ्रॉम एंड मेड ऑफ. प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेड फ्रॉम एंड मेड ऑफ. मेड फ्रॉम और मेड ऑफ में अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं, इस चीज को समझिए. देखिए जब ओरिजिनल मटेरियल्स जो हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाएं और उनको आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो सामग्री चीजों को बनाते समय इस्तेमाल की गई थी उसकी अवस्था पूर्ण रूप से बदल गई हो तो वहां मेड फ्रॉम यूज कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर एंड वाटर. और थर्ड एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं कि पेपर इज, यस पेपर, पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास. मेड ऑफ के बारे में यदि बात करते हैं तो इसमें ओरिजिनल मटीरियल्स आर नॉट एक्चुअली चेंज्ड एंड कैन स्टिल बी सीन, ये दिख सकता है. फॉर एग्जाम्पल अ नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर्स, पेपर्स विजिबल है और नोटबुक भी हम देख रहे हैं. द स्वेटर वॉज मेड ऑफ वूल. एंड एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं द शर्ट इज मेड ऑफ सिल्क. तो सिल्क भी नजर आ रहा है और शर्ट भी दिख रही है कि सिल्क से शर्ट को तैयार किया गया है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है, एक है हमारा डाई ऑफ एंड डाई फ्रॉम. ये भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड. देखिए जब कोई इंसान किसी प्रोलॉन्ग डिजीज से, बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं डाई ऑफ. फॉर एग्जाम्पल
ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ हंगर. अभी देखिए आप कोरोना वायरस जो चल रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं बीमारी से. अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं. 1990 में 1919 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उस समय फ्लू हो गया था, और उसका एक एग्जांपल है कि मोर पीपल डाइड ऑफ फ्लू इन 1919 देन वर किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बहुत सारे लोग मरे थे, जितने कि प्रथम विश्व युद्ध में मारे नहीं गए थे युद्ध के दौरान, उससे ज्यादा फ्लू से लोग मरे थे. तो यहां पर हमने डाई ऑफ इस्तेमाल किया. अब देखिए, जब किसी कारण से, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी कारण से किसी की मृत्यु होगी, कोई कॉज होगा, तो वहां पर हम डाई फ्रॉम यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द मैन डाइड फ्रॉम कोल्ड, ही डाइड फ्रॉम हार्ड लेबर. एंड वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक, A week after the accident, he died from his injuries. वह अपनी इंजरीज से मर गया. तो यहाँ पर हमने कारण बताया. तो जब हम कारण के बारे में बात करते हैं, तो कारण के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट, यदि हम बात करें, जो हमारा अगला जो वीडियो है, थर्ड वीडियो, थर्ड सीरीज रिलेटेड टू प्रेपोजिशन, इन दैट यू विल जस्ट कम टू नो सम अदर वर्ड्स विच आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू. और बाकी छोटे छोटे सेक्शंस में आपको इस तरीके से मैं डिवाइड करके टाइम टू टाइम वीडियो पोस्ट करता जाऊंगा. आप इसे देखें, आप इस लॉकडाउन में कुछ सीखने की कोशिश करें. बी इन टच विद एवरीवन, कीप योरसेल्फ सेफ हेल्दी. हैंड वॉशिंग डेफिनेटली इसका ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ पानी भी बर्बाद नहीं करना है. और वन मोर थिंग जो कि मैं अपनी टीम के साथ मिलकर कर रहा हूँ, कि कोई भूखा ना रहे, उसको खाना समय पर मिलना चाहिए. आपके आसपास कोई ऐसे हैं तो प्लीज़ आप उसकी मदद करें, पर अपना भी अच्छे से ख्याल रखते हुए. मेरी टीम जो मुझसे जुड़ी हुई है, मेरी संस्था के लोग जो जो मैं ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, SKL सुरेश अकेडमी ऑफ लैंग्वेज, और उसके साथ साथ नमो नमो मोर्चा. सो नमो नमो मोर्चा गुरुग्राम की तरफ से भी काफ़ी लोगों की मदद की जा रही है. आज भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया. So friends, please just go to my next video. Thank you. Take care.